उदयपुर जिले में द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने पहुंचे सर्व समाज के संत। जी हां, आपको बता दें रविवार का दिन सर्व समाज के संतों के लिए रहा। सर्व समाज के संत उदयपुर के सिनेमा घरों तक पहुंचे और उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी की सच्चाई को जानने के लिए मूवी को एक साथ अपने नज़रिए से देखा। मूवी देखने के बाद जब संत बाहर निकले तो उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में और भी कई सच छुपाए गए हैं जिन्हें जल्द से जल्द इस तरह मूवी बनाकर दिखाया जाना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उदयपुर के सर्व समाज के संतों ने। मैं महंत रास बिहारी शरण, आज हिंदू संगठन के माध्यम से हमने यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी और इतने सालों तक वहाँ की जो सच्चाई थी उसको छुपा कर रखा। और इस फिल्म को बनाने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस ईमानदारी से और अपनी निष्ठा के साथ में भारत के लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया। और आज हर हिंदू को जो एक उस दुख का, उस आतंकवाद का जो एक इतना इन्होंने सच सच सामने नहीं था, इनको पता भी नहीं था हिंदुस्तानी को कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में हुआ क्या था। लेकिन आज हर एक हिंदुस्तानी को पता है और वो समझ रहा है, जिसके कारण आज हर हिंदू इस फिल्म को देख रहा है और इस सच्चाई को जान रहा है और समझ रहा है। उदयपुर, ये फिल्म के अंदर कश्मीर का सच हो सकता है, बाकी बहुत सच हैं जो दबाए गए हैं। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय लाखों लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ था? नोआखली के अंदर हिंदुओं को नहीं मारा गया था? बंगाल के अंदर नहीं हुआ था क्या? वो बांग्लादेश के अंदर क्या नहीं मारा गया था क्या? और दक्षिणी भारत में जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर था वहाँ उसका जो है मारा गया बताया। और जब हिंदू मर रहा था तब यहाँ के राष्ट्रपिता, बड़े बड़े नेता लोग जो है कुछ नहीं बोले। और जब कुछ हिंदू संगठित हुआ उस समय वो अनशन पे बैठ गए। तो वो फर्जी अनशन का सच भी आना चाहिए और गुमराह करके फर्जी नाम से जो देश का संचालन करते रहे वो भी उजागर होने चाहिए। ये कश्मीर का ही सच नहीं, ये एक झांकी है और बाकी हिंदुस्तान का सच आना बाकी है। मैं महन तन्मयवन श्री गुप्तेश्वर महादेव, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये वस्तुतः जो जितने घटनाक्रम हुए हैं उनकी झांकी मात्र है। और हिंदुओं को जैसा सताया गया, जैसा कि वाजपेयी जी कहते रहे, कश्मीरियत और जमहूरियत का जिस तरह से हनन किया गया ये उसकी एक झांकी मात्र है। और जितने घटनाक्रम हुए वो उजागर होने चाहिए और जैसा इतिहास में पढ़ा नहीं अभी तक वो वैसा देखने को मिला है। और इससे भी हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए। और जैसा कि पुरुष सूक्त में जो विराट स्वरूप मिलता है वैसा विराट स्वरूप समाज का होना चाहिए, मतभेद और जातिवाद से हटकर और हिंदुत्व के लिए सबको एक होना चाहिए। बालू सिंह कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान उदयपुर। मुझे आज मेरे पे शर्म आ रही है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए आज हमारे भाइयों का जो कत्लेआम हुआ, जो नरसंहार हुआ, उनके कातिल जिंदा हैं और इस भारत का विपो मीडिया जिंदा है। तो इतनी बड़ा नरसंहार को छुपाया, देश के सामने नहीं रखा, हमें इस बात का गर्व है। हम अग्निहोत्री जी की जितनी हो इतनी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस सच को हमारे सामने लाया। धन्यवाद। के बाद लगता है कि किस तरह की हैवानियत, किस तरह से कश्मीरियत को बदनाम करके क्रूर और जो क्रूरता की पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं,
यह फिल्म का बनना ही हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी देन है, वरना कहाँ सेंसर बोर्ड पास करता है सत्य को। ऐसे में यह फिल्म हर नागरिक को, हर वयस्क विद्यार्थी को दिखाई जानी चाहिए, जिससे इसका हौसला अफजाई हो और एक असत्य का, बेईमानी का लड़ने का उसमें क्षमता पैदा हो, इसके लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। फिल्म बहुत मार्मिक है,